हाय एवरीवन, मेरा नाम है अवनी और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा मेकअप, जिसे अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वेयर कर सकते हैं और बहुत ही नेचुरल लुक आपके चेहरे पर आने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना है अपना स्किन केयर, तो अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करना है टोनर को, और टैपिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव हो जाए पूरे चेहरे पर। इसके बाद अप्लाई करना है यहाँ पर सिरम। देखिए, अपनी स्किन को जितना भी आप हाइड्रेटेड रखेंगे ना, मेकअप उतना ही और भी ज़्यादा फ्लुएंट दिखाई देता है और भी ज़्यादा उभर कर आता है। तो मैंने यहाँ पे विटामिन सी सीरम को अप्लाई किया है पूरे चेहरे पर। मसाज दीजिए, इसके बाद अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। तो प्लम का मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और पूरे चेहरे पर इसे अच्छी तरीके से मसाज कर लेनी है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है सनस्क्रीन। आप चाहे कहीं पर भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस हैं, नो मैटर व्हाट, आपको सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना है। तो डे टाइम स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी है आपको। इसके बाद मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ी सी कलर्ड वाली है तो बस लिमिटेड ही मैंने इसको अप्लाई किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही थोड़ा सा कंसीलर मैंने किया है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल नेचुरल लुक देना चाहते हैं। तो जितने भी अगर छोटी मोटी अगर निशान है चेहरे पर, या फिर जैसे मेरी स्किन ना बहुत ही कम ऐसा है कि कहीं से डार्क है, जैसे लिप्स के आसपास, नोज के आसपास, आईज में के नीचे ना थोड़ा सा डार्क है, बस ज़्यादा नहीं है। पर मैं चाह रही थी कि ना मेरी स्किन टोन बिल्कुल इक्वल दिखाई दे, इसलिए मैंने कंसीलर का यूज़ किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि इसको आप अप्लाई करें ही करें, आप चाहें तो कम्प्लीटली से अवॉइड भी कर सकते हैं। नेचुरल लुक देने के लिए ना, अगर आपके पास लिक्विड ब्लश है तो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। देखिए, पाउडर ब्रश भी मैंने ब्लश भी यूज़ किया है, लेकिन जब बात लिक्विड में आती है ना, वो मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आपकी स्किन के अंदर ही ये रम गया है और एक नेचुरल लुक आता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर लिक्विड ब्लश है तो प्लीज़ उसको ही अप्लाई करना है। और बस मैंने इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया। आप चीक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नोज़ पर या चिन पर अप्लाई कर सकते हैं, इससे ना नेचुरल लुक आता है। अच्छा, जो अगला स्टेप है, इसमें मैं अपना न्यूट कलर की जो लिपस्टिक है फॉरएवर 52 की, वो मैं यूज़ कर रही हूँ आई मेकअप करने के लिए। आप चाहें तो जो हमारी नॉर्मल आई पैलेट्स आती हैं वो उनका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ किसी भी लिपस्टिक का और लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। अच्छा, ये वाला स्टेप ना आप कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ आई मेकअप करके ऑफिस में जाएँ, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अपनी आँखों को थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर काजल का यूज़ कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है। तो अगर आप काजल का यूज़ कर रहे हैं तो आईलाइनर का यूज़ नहीं करना है, और अगर आप आईलाइनर लगा रहे हैं तो प्लीज़ काजल को अवॉइड कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो जो मेकअप है वो ज़्यादा भड़कीला सा दिखाई नहीं देगा। अच्छा, आईब्रो सेट किए बिना ना मज़ा नहीं आता, बिल्कुल देखने में लुक अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक आईब्रोस अपने सेट कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद लिपस्टिक भी मैंने कुछ इस तरीके से लगाई है कि न्यूट कलर की लिपस्टिक है तो बहुत ज़्यादा भड़कीली सी ना लगे, सटल होनी चाहिए। और इसको, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क मुझे लगा था, तो मैंने थोड़ा सा लगा के ना अपनी फिंगर का ही यूज़ करते हुए इसको पूरी तरीके से फैला लिया है और इसका कलर बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखाई दे रहा था। अगले स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा का। अच्छा, ये वाला स्टेप ना मैं हमेशा स्किप कर दिया करती थी, मुझे लगता था कि क्या फ़र्क पड़ता है इसको लगाने से, लेकिन नहीं, जब मैंने इसको लगाना शुरू किया ना तो मुझे पता चला कि इससे आंखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं यार, तो इसको मत स्किप करना। लास्ट स्टेप है हाइलाइटर का यूज़ करना। देखिए, आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्किन केयर अच्छे से किया है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हाइलाइटर को यूज़ करें, क्योंकि चेहरे पर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा ग्लो आएगा। लेकिन अगर करना ही है ना, तो फिंगर पे थोड़ा सा हाइलाइटर ले लीजिए, नोज़ के बिल्कुल टिप पर अप्लाई करना है, नोज़ के बोन पर थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है और चीक्स पर हल्का सा अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद एक ब्रश का यूज़ कीजिए और सबको अच्छे से मिक्स इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए पूरे चेहरे पर, कि आपकी स्किन का ही सब पूरा जो मेकअप है वो एक पार्ट दिखाई देना चाहिए, तभी मज़ा आता है। ये फ्लुएंट मेकअप में ना तभी अच्छा लगता है। तो बस कुछ इस तरीके से आपको तैयार हो जाना है अपने ऑफिस जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर बहुत ही गोल्ड के ना बहुत छोटे छोटे से ईयरिंग्स हैं उनको वेयर कर रही हूँ, ऐसे गला बिल्कुल खाली दिखाई ना दे, इसलिए एक चेन मैंने हल्की सी डाल दी है। और ऑफकोर्स यहाँ पर सिंपल सा एक कड़ा है और वॉच मैंने यूज़ करी है, और बस यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए। और ये
सिंपल सा मेकअप है, आप चाहें तो इसे एवरी डे यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आप जाने के लिए, आप चाहें किसी छोटी मोटी पार्टी में जा रहे हो, किटी पार्टी में भी जा रहे हो तो भी अच्छा लगेगा, आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो भी ये अच्छा लगेगा, आप ऑफिस जा रहे हैं तो भी अच्छा लगेगा। तो ये लिटरली एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप है जिसे आप वेयर कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, और डे टाइम के लिए ये परफेक्ट, स्पेशली समर टाइम में, समर टाइम में ये मेकअप आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं और भी बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।